सुबह सुबह कुछ हेल्दी खाना हो और कुछ ऐसा हो जिससे खा के मन और पेट दोनों भर जाए और बनाना भी आसान हो, तो वही रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है सहजन और इसे मोरिंगा भी बोलते हैं। इसके जितने फ़ायदे बताऊँ फ्रेंड्स उतने कम है। हाल ही में एक इंटरव्यू में PM नरेंद्र मोदी जी ने भी इसके बारे में बताया था, तो वही रेसिपी आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने सहजन लिया था, ये बड़े बड़े इसकी फलियाँ होती हैं जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और इसे धुल भी लिया था और इसे मैंने थोड़ा थोड़ा इसका छिलका निकाल लिया है। तो इस तरह से आप चाकू से निकाल सकते हो अगर आप सब्ज़ी बना रहे हो तो। मैं इसके पराठे बनाऊँगी तो ज़्यादा इसका स्किन निकालने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम एक दो पानी से धुल लेंगे अच्छे से, उसके बाद इसे उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई लिया है और पानी को अच्छे से उबाल आने दिया है। उसके बाद इसमें सहजन को ऐड कर देंगे। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो गया, कढ़ाई में मुझे करने में करीब आधा घंटा लग गया इसे पकाने में। आप इसे कुकर में करना तो कुकर में आराम से 5 से 10 मिनट में ये ईज़िली हो जाता है। तो बस अभी मैं इसे ढक दे रही हूँ, आधे घंटे बाद देखिए इस बिल्कुल थोड़ा सा पानी है देखिए, और अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो चुका है। पानी को फेंकना नहीं है तो मैसर से इसी तरह से इसे मैश कर लेंगे। हमें इसका पल्प चाहिए और जो लकड़ी वाला पार्ट है हम उसे फेंक देंगे। अगर आप कुकर में करते हो तो ये और भी सॉफ्ट हो जाता है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप कुकर में ही करना। तो इस तरह से मैश कर लेंगे, उसके बाद इसका पल्प हम अलग करेंगे। तो इस तरह से बड़े वाले होल का कोई छन्नी ले लीजिए। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्लास्टिक का लिया जो इसमें थोड़े बड़े साइज़ के होल हैं, तो मैं इसी में इसलिए निकालूंगी। तो अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और जो ये लकड़ी बच गया है इसे मैं अलग रखूँगी। और इसमें मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा भी पल्प है जो हम निकाल सकते हैं, तो लास्ट में मैं इसे एक बार और पानी से वॉश करूँगी। तो इस वाले लकड़ी में मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से प्रेस कर रही हूँ, तो देखिए कितना अच्छा खासा पल्प इसमें निकल रहा है। फ्रेंड्स आप इसका सूप बनाइए या तो आप स्टोर करके इसे 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हो, इसे फेंकना नहीं है। तो लकड़ी जो है ऊपर वाला पार्ट बिल्कुल साफ हो चुका है देखिए, तो बस इसे फेंक देंगे। और जो ये बचा हुआ है इसे हम एक कांच के बर्नी में भर के स्टोर कर लेंगे और जब भी कुछ रेसिपी बनाना हो जैसे पराठे या तो सूप आप उसमें इसे यूज़ कर सकते हो। और इसे अभी हम फ्रीज़र में रख देंगे। और जो गाढ़ा वाला पल्प था फर्स्ट टाइम निकाला था मैंने, इसी से हम अपना ये रेसिपी बनाएंगे। तो सेम कढ़ाई मैंने लिया है और यहाँ पे 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा, आपको जितने पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। इतने में आराम से 3 से 4 पराठे बन जाएंगे। और अच्छी क्वांटिटी में इसमें हरी धनिया पत्ती, स्वादानुसार नमक और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, तो मैं टिफ़िन के लिए बना रही हूँ बच्चों के लिए, और थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। यहाँ पे आप हरी मिर्च, पालक या तो मेथी की पत्तियाँ भी डाल सकते हो, थोड़ा सा सफ़ेद तिल, मसाले आप अपने अनुसार कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, जैसे अजवाइन या कसूरी मेथी। तो बस थोड़ा थोड़ा हम मोरिंगा पल्प डाल के इसका डो लगा लेंगे सॉफ्ट होने तक। जब आप इसे आटा लगाओगे तो हाथों में बहुत चिपकता है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और देखिए ये थोड़ा सा पल्प बच गया है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में लगा है। तो सेम बर्नी में हम इसे भर के स्टोर कर लेंगे। अभी हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो देखिए अभी हम इसके पराठे बनाएंगे। तो दूसरे साइड मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है। तो हर घर में पराठा सबको बनाना आता ही है, आप इसकी पूड़ियाँ भी तल सकते हो या तो रोटी भी बना सकते हो। मैं पराठा बना रही हूँ ट्रायंगल शेप में। तो फ्रेंड्स आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही हेल्दी है और टेस्ट में भी बहुत अमेजिंग लगता है। आप गूगल पे जाके मोरिंगा के बेनिफिट्स पढ़ना, बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है इसको खाना। तो इस तरह से आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हो, उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्योंकि इसकी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते बच्चे।
अच्छे से बेल लेंगे, पतला बिल्कुल, और इसे दोनों साइड से हाई फ्लेम पे अलटते पलटते पका लेंगे क्रिस्प होने तक। और थोड़ा सा तेल भी लगा लेंगे, आप यहाँ पे घी भी लगा सकते हो या तो तेल भी, लेकिन आप टिफ़िन में दे रहे हो तो मैं बोलूँगी कि आप तेल ही लगाना, क्योंकि घी थोड़ा जम जाता है तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अगर आप गर्मा गर्म सर्व कर रहे हो तो आप घी लगाइए। तो आपके तरफ सहजन को क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गर्मा गर्म पराठा रेडी है, आप इसे दही के साथ, चटनी के साथ या तो अचार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। आपके इधर इसे क्या बोलते हैं और आप ये रेसिपी किस तरह से बनाते हैं कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।